फ्रेंड्स, मैं प्रेमिका भूषण, मेरे चैनल का स्वागत है। आज हम कड़ी पत्ते से तेल बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं आपके लिए फ्रेंड्स। जो हमारे बालों में अनेक समस्याएं होती हैं उसके समाधान है कड़ी पत्ता है। बहुत फ़ायदेमंद है कड़ी पत्ता, और इसको लगाने से बहुत ही हमारे बाल अच्छे होते हैं, लंबे घने काले होते हैं। और जो हमारे बाल झड़ते हैं, पतले दो मुहे बाल होते हैं और डैंड्रफ होते हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं कड़ी पत्ते का तेल लगाने से। या फिर कड़ी पत्ती को पीस कर हम इसका लेप लगाएं, दो तरह से लगा सकते हैं, कई तरह से इसके इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। खाया भी जाता है इसे, आप खाने से बहुत ही फ़ायदा करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको पहले बताएंगे, उसके बहुत ही लाभकारी है, बहुत फ़ायदेमंद है। कड़ी पत्ते में एमिनो एसिड और बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। समस्याएं जो हमारे बालों में होती हैं, उन समस्याओं का समाधान है फ्रेंड्स, बहुत ही फ़ायदा करता है। लोशन कह सकते हैं, सन के कारण हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं, बालों को बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। कुछ जैसे पदार्थ होते हैं इसमें, बहुत ही अच्छे होते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदा करता है फ्रेंड्स। इसे इस्तेमाल करने से त्वचा हमारी बहुत अच्छी होती है। तो इसकी पत्तियों को पीस के अगर हम त्वचा में लगाएं तो हमारे जो दाग धब्बे होते हैं, खुजली होती है, उसके लिए बहुत फ़ायदा करता है स्किन में ये। और इसे अपने बालों में ज़रूर लगाना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं पहले तेल। तो पहले हम सामग्री देख लेते हैं। मैंने कड़ी पत्ता लिया है, आप देख सकते हैं मैंने ढेर सारी कड़ी पत्ता लिया और इसे धो के रख लिया, सुखा लिया, इसे छाए में सुखाना होता है। और ये थोड़ा सा मैंने हरा लिया है, आप देख सकते हैं आपको दिखाने के लिए, ये हरी कड़ी पत्ते हैं, इसको धो के रखना है। और मेरे पास सूखा हुआ कड़ी पत्ता रखा हुआ एक बाउल, इसे मैंने धो के इसकी डाल इस तरीके से निकालना होता है ऐसे। और इसे छाए में आप किसी पेपर में या फिर किसी कपड़े में रख के सुखा लीजिए। तो मैंने उसे सुखा लिया है और छाए में ही सुखाना है फ्रेंड, धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है। बहुत देखिए बहुत क्रिस्पी हो गया है सूख के। ग्राइंडिंग जार ली है और इसे डालेंगे और पीस लेंगे, पाउडर बनाएंगे, और इसको पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। कड़ी पत्ते हमारे पीस गए हैं फ्रेंड, देखिए कितनी बारीक पाउडर बन गया है, आप देख सकते हैं कड़ी पत्ता हमारा पीस गया है फ्रेंड, पाउडर बहुत अच्छे बन गए हैं, देख सकते हैं बिल्कुल महीन सा पाउडर बन गया है। और अब इसका हम तेल बनाएंगे। तो मैंने इसके लिए नारियल का तेल लिया है, आप चाहें जैतून के तेल में भी बना सकते हैं। तो मैंने ये कोकोनट ऑयल लिया है, 100% प्योर है, देख सकते हैं आप, और किसी भी अच्छी ब्रांड का लें। मैंने एमवी कंपनी का लिया है क्योंकि मैं इसी का यूज़ करती हूँ। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है, छोटी कढ़ाई है फ्रेंड्स। तो अब इसमें हम पाउडर डाल देंगे पहले, चार चम्मच मैंने पाउडर डाला है। और अब इसमें हम नारियल का तेल डालेंगे, उसके बाद हम कढ़ाई में चढ़ाएंगे फ्रेंड गैस पे। तो इसको हम सब्जी से डालते जाएंगे और उसको मिक्स करना है। तो करीब मैंने आधा डिब्बा, इतना डिब्बा में हमारा तेल था तो मैंने डाल दिया है आधा डिब्बा तेल। और इसको हम चलाएंगे, पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कलर देखिए कितना अच्छा आया है, बिल्कुल ग्रीन, बहुत ही ग्रीन, देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है कलर इसका तेल का। मैंने गैस ऑन कर दिया है फ्रेंड्स, और कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पे, और इसको बिल्कुल लो मीडियम आंच पे इसको चलाते हुए इस तरीके से पकाना है। बिल्कुल जल, इसकी पत्तियां नीचे तले में नहीं लगनी चाहिए, जलनी नहीं चाहिए। तो पहले इसको हम इस तरीके से चलाते हुए पकाएंगे, करीब 3 से 4 मिनट के लिए, बहुत कम आंच पकाना है, पकने देते हैं थोड़ा थोड़ा सा, इसको बीच बीच चलाते रहेंगे इस तरीके से। नीचे तेल उबल रहा है फ्रेंड्स, देखिए ऊपर से फैन फैन सा हो गया है ये, क्योंकि जो पत्ती की पाउडर मैंने बनाया है इसलिए ऐसा है। तो देखिए बिल्कुल तेल हमारा तैयार हो गया है, बिल्कुल ग्रीन हो गया है तेल, और बहुत अच्छा तेल तैयार हो गया है, देखिए हमारा तेल। तो फ्रेंड पहले हम तेल ठंडा होने देते हैं 3-4 मिनट के लिए, बहुत गर्म है कढ़ाई में। इसी तरीके इस कढ़ाई में हम छोड़ देंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड देखिए बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है तेल हमारा। फ्रेंड जब भी छानिए बारीक छान लीजिए, या फिर मलमल कपड़े से छान सकते हैं तेल। तो इसमें थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे ऐसे, इसे छान लेंगे। तेल को बहुत अच्छे से छन गया है, और आपके पास मलमल का कपड़ा हो तो आप मलमल के कपड़े से छान लें बहुत अच्छे से। और मैंने चाय की छन्नी छानी, बहुत बारीक वाली छन्नी है, तो बहुत अच्छे से छन गया हमारा तेल। और जो ये कचरा बचा है इसको हम बालों में पैक बनाने के लिए रखेंगे। आप इसमें दही मिलाकर अच्छे से मिक्स करके अपने बालों में लगाएं अच्छे से, और 1 घंटे के बाद आप किसी भी शैम्पू से शैम्पू कर लें। तो देखिए कितना अच्छा हमारा तेल बनके तैयार हो गया करी पत्ता तेल। और कांच की शीशी अच्छे से धो के धूप में सुखा लें, बिल्कुल पानी उसमें ना रहे तभी आप रखें, और किसी कांच के बॉटल में रखिए आप। इसको पूरे 1 साल से 2 साल इस तेल को चला सकते हैं बनाकर, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा तेल। रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं आप इसे आराम से।
तो देखिए हमारा तेल बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका, देख सकते हैं तो ग्रीन ग्रीन सा कलर है तेल का, पत्तियों वाला कलर बिल्कुल गया नहीं है। और ये हमारे मीठी नीम पत्ती की का तेल तैयार हो गया फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छा तेल बना है। आप भी इस तरीके से बनाकर अपने बालों में लगाएं, अपने बालों को खूबसूरत बनाएं, लंबे घने काले बाल बनाएं, और बहुत फ़ायदा करता है फ्रेंड्स स्किन के लिए, बाल के लिए और हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है करी पत्ता, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिएगा फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट करें, मिलेंगे नई रेसिपी।